नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, मैं लगातार डीएडएड के ऊपर वीडियोस बनाकर डाल रहा हूँ और लगातार कमेंट पर कमेंट आ रहे हैं कि सर आप तो बताइए भाई कब आएगी लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स का एडमिशन का सीजन निकला जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी कोर्स डिप्लोमा डिग्री में एडमिशन लेने के लिए जून जुलाई से ही यहाँ पर एडमिशन ले लिया जाता है सभी ब्रांचों में, सभी कोर्सेज में। तो यहाँ पर अभी डीएडएड के लिए सितंबर चल रहा है, मतलब कि 2 महीने डिले, और कितना डिले होगा यही सोच सोच कर बच्चे स्टूडेंट विद्यार्थी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं कि भाई एडमिशन कब होगा, लिस्ट कब आएगी। अगर और ज्यादा देर बाद लिस्ट आएगी, कहीं लिस्ट हमारे हाथों से निकल ना जाए, ऐसा ना हो कि लिस्ट हम देख ही ना पाए, और उन्हें डर लग रहा है कि भाई हम डीएलएड में एडमिशन ले सकेंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पर इन सभी सवालों का एक ही इलाज है कि यहाँ पर क्लियर पता चल जाए कि भाई डेट कब आ रही है। तो यहाँ पर अगर आपको ये भर पता चल जाए तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ आपको चेक कहाँ से करनी है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि भाई चेक कहाँ से होगा आपका अलॉटमेंट। तो सिंपली आपको सर्च करना होगा गूगल पर rskmponline.gov.in। सिंपली इस लिंक को सर्च करें अपने ब्राउजर पर, किसी भी एक ब्राउजर पर फर्स्ट लिंक जो आती है उस पर क्लिक करें तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सिंपली आपको डीएलएड काउंसलिंग के ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिले क्यों हो रही है, अलॉटमेंट आने की प्रक्रिया है वो डिले क्यों हो रही है, तो आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर बहुत से बच्चों ने क्या किया कि किसी की 50% है तो उन्होंने 90% डाल दी, किसी की 56% है तो किसी ने 96% डाल दी। तो मतलब कि यहाँ पर काफी बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म में हेरा फेरी की है, गलत डॉक्यूमेंट्स दिखाए। तो यहाँ पर सिंपली देखिए, यहाँ पर आप लास्ट में क्लिक करोगे, यहाँ पर आवश्यक सूचना में सबसे लास्ट में क्लिक हेयर का बटन दिया गया, इस पर क्लिक करोगे तो आप लिस्ट डाउनलोड कर सकोगे उन फ्रॉड बच्चों की, जिन बच्चों ने यहाँ पर घपलेबाजी की थी यहाँ पर एडमिशन के समय। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके की लिस्ट है, मतलब कि किसी ने धुंधली अपलोड कर दी, किसी ने यहाँ पर नेपाल की अपलोड कर दी। देखिए मैं नेपाल की बता रहा, नेपाल राष्ट्र की यहाँ पर किसी ने अपलोड कर दी। अब आपको पता होगा मध्य प्रदेश में 1000-2000 बच्चे तो फॉर्म डालते नहीं, लाखों बच्चे फॉर्म डालते हैं, ऑल इंडिया से यहाँ पर आवेदन होते हैं। तो लाखों फॉर्मों की यहाँ पर कार्रवाई की जा रही, मतलब कि जांच की जा रही है सही ढंग से, जिन फॉर्मों की वेरिफिकेशन भी हो चुकी है उन फॉर्मों की भी जांच की जा रही है। क्योंकि आपको पता होगा कि फॉर्म भरने के बाद वेरिफिकेशन भी किया जाता है, तो उन फॉर्मों की अभी जांच चल रही, जैसे ही जांच कंप्लीट हो जाती वैसे ही यहाँ पर आपका अलॉटमेंट इशू कर दिया जाए। अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि सर 1 महीना होने वाला है, जांच कब कंप्लीट होगी, तो यहाँ पर मैं आपके लिए खुशखबरी बता दूँ, आज से 5-6 दिन के भीतर भीतर आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। मतलब कि आज जैसे मान लीजिए 18 तारीख है तो 25 तारीख से पहले पहले आपका अलॉटमेंट 100% आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, आप नोट कर लीजिए 25 तारीख से पहले आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। दरअसल दोस्तों ये जो मैंने आपको डेट बता रहा हूँ किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट से देखकर नहीं बता रहा, मैंने बाकायदा राज्य शिक्षा केंद्र विभाग में संपर्क किया था, वहां से मैंने क्लियर डेट निकाली है कि भाई अलॉटमेंट कब आएंगे विद्यार्थियों के। यहाँ पर काफी बच्चे बहुत परेशान है, तो यहाँ पर क्लियर डेट बताइए, तो उन्होंने बोला था लगभग 95% यहाँ पर जो स्टूडेंटों के फॉर्म चेक करने थे वो लगभग हो चुके हैं, 5% फॉर्म बचे हैं जो कि 3-4 दिन में आपके निपट जाएंगे। तो यहाँ पर 25 तारीख से पहले ज्यादातर चांसेस है कि यहाँ पर आपका अलॉटमेंट आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में बताई गई डिटेल आपको पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।